हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 7 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देश और दुनिया में क्या नई घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो करंट अफेयर है, एसएससी, सीजीएल, बैंक और सीएचएसएल, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी खबरें हैं वो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सिर्फ वही कवर की गई हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या खबरें हैं आज की। पहला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें। तो करेक्ट आंसर है चौथे स्थान, फोर्थ स्थान पे भारत पहुंच गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर चौथे स्थान पे पहुंच गया है। इस सूची में पेटीएम 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान कौन से कप्तान हैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं कप्तान के तौर पर, तो ये हैं इयोन मॉर्गन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 215 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका आपने लोगों इसके थंबनेल पर देखा होगा इस वीडियो के। तो केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। वो लोगों देख के आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की है, 20%, 30%, 40% या 50%। तो करेक्ट आंसर है 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र, राजस्थान या चेन्नई सरकार ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है, श्रीलंका कैबिनेट, भूटान कैबिनेट, नेपाल कैबिनेट या पाकिस्तान कैबिनेट। तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान कैबिनेट। पाकिस्तान कैबिनेट ने हाल ही में नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है। इस राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ और पाकिस्तान का भाग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया गया, इस किसने किया, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया, जिसके साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है, कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का ये राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य में थेनजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया? मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय? तो ये किया गया मिजोरम राज्य में। हाल ही में मिजोरम में थेनजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर भारतीयों को उचित दाम पर गोल्फ की अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करना है। अब मिजोरम की बात करते हैं तो इनके मुख्यमंत्री हैं पू जोरन थांगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम की राजधानी है ऐजवाल और आइजोल जिसे कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया इसे 21 जनवरी 1972 को और यहाँ की जनसंख्या लगभग है 11.2 लाख 2014 के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ मैं। निम्न में से विशेष कोड टू विन किस लेखक ने प्रकाशित किए? बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। निरुपमा यादव, शशि थरूर, अरविंद अडिगा या रोहिंटन मिस्त्री? तो करेक्ट आंसर है निरुपमा यादव। हाल ही में निरुपमा यादव ने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। ये पुस्तक सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विशेष गुरुवंशी की जीवनी पर आधारित है। इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है उस दिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 73 ईयर्स की, 83, 93 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है 83 ईयर्स की आयु में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन 83 ईयर्स की आयु में हो गया। वह आयरलैंड के प्रमुख नेता थे। जॉन ह्यूम ने उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी जिससे वर्ष 1998 में डेविड ट्रिम्बल के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन सी नई चीज आप देखना चाहते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।